यहाँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजौंद की हमारी बड़ी बहन अंजू जी हैं, वो अपने विचार साझा करेंगे हमारे साथ ये जो यात्रा चल रही है उसके विषय में। स्वामी जी ने, बहन पूर्व आर्य जी ने, प्रवेश आर्य जी ने जो ये यात्रा शुरू की है, ये बहुत ही अच्छी पहल है। इससे ये जो अश्लीलता आज दिनों दिन बढ़ती जा रही है या जो कन्या भ्रूण हत्या होती जा रही है, इसके बारे में लोग जागरूक होंगे और वो आगे से ऐसा ना करने की शपथ लेंगे। ये बहुत ही अच्छी पहल है, विशेष तौर से ग्रामीण अंचल में इस तरह के कार्यक्रम जरूर चलने चाहिए। इसके लिए हम तहे दिल से राजौंद हलके के लोग उनका आभार व्यक्त करते हैं। जी मैडम जी, आपने अभी कहा कि इस तरह की जो मुहिम है चला रखी है, ये बहुत आप कह रहे हो कि इसमें बढ़ चढ़ कर राजौंद के जो ग्रामवासी भाग ले रहे हैं, क्या आप चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए समय समय पर? जी मैम, ऐसे प्रोग्राम समय समय पर जरूर होने चाहिए ताकि लोग जागरूक रहें और जिसे हम कहते हैं वो आजकल के उससे अपडेट रहेंगे। बच्चियां ही एक संदेश दे सकती हैं उनके माँ बाप को, भाभियों को, शादीशुदा बहनों को कि वो ये भ्रूण हत्या ना करें, क्योंकि वैसी ही बेटी है जैसा बेटा है हमारे लिए। और ये बहुत ही अच्छी पहल है, सरकार को भी इसे बढ़ चढ़ के बढ़ावा देना चाहिए। जी जी मैडम जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बड़ी बहन अंजू जी का कि इन्होंने कितने अच्छे तरीके से बताया कि इस तरह के प्रोग्राम जो है वो ज़रूरी हैं, आज होने चाहिए हमारे युवा वर्ग के लिए। हमारी हरियाणा में जो एक ये नशे की जो लत है, कन्या भ्रूण हत्या जैसा, और सबसे बड़ा मैं आपको बताऊँ कि पाखंड की जो बीमारी हमारे हरियाणा में लगी हुई है, उसके लिए ये इस तरह के प्रोग्राम ज़रूरी हैं। और आप सबसे मेरा निवेदन है कि इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह की यात्राएँ जहाँ भी हो रही हैं, आप सभी लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें, सब बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी करें ताकि आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, एक नई ऊर्जा दे सकें। मैं मुकेश आर्या, बहन राजकुमारी जी के साथ राजौंद से।